हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जीएनए एक्सेल्स की। तो पहले थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देख लेते हैं, फिर आते हैं चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि अभी हम लोग को बाइंग करनी चाहिए इसके अंदर कि नहीं। तो अगर नाम से ऑब्वियस हो जाता है थोड़ा सा कि कंपनी करती क्या है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो कि यहाँ पे एक्सेल्स बनाती है, शाफ्ट्स बनाती है कार्स के लिए और स्पेंडल्स और कई और भी चीज़ें बनाती है। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो कंपनी की लिंक खुल जाएगी, इनके प्रोडक्ट्स भी आप लोग जाके देख सकते हैं कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। बाकी अगर मार्केट कैप वाइज बात करें तो अभी स्मॉल कैप में आती है। स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हायर मल्टीपल्स पर ट्रेड नहीं कर रहा है, तो हम लोग के लिए ये एक एडवांटेज की बात है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डिसेंट है, आइडल रेशियोज के ऊपर है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, बट थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव है, हो सकता है मार्जिन की वजह से हो। नीचे देखेंगे हम लोग उसका रीजन क्या है। डिविडेंड कंपनी ओके ओके पे कर रही है, 1% के ऊपर होता था अच्छा होता, लेकिन 1% के आसपास भी है तो उसको हम कहेंगे कि ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखो लिखा है कि पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो थोड़ा सा कम रहा। जी एन ए एक्सेल्स का हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है डेट रिजर्व्स इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, और नीचे आएंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इनका आ चुका होगा। सेल्स भी देखेंगे तो सेल्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है अच्छा खासा यहाँ पे, मतलब पिछले कई क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो सेल्स सबसे ज़्यादा अभी सितंबर क्वार्टर की है 2022 के अंदर। कंपनी के मार्जिन अच्छी खासी बढ़ी है और कंपनी की नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ठीक ठाक नंबर से देखने को बढ़ रहा है। सेल्स देखेंगे ईयरली तो यहाँ पे 2011 से ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर अच्छा खासा नंबर से यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई है। यहाँ पे कम से कम भी हम कह सकते हैं 4 टाइम्स यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो चुकी है 11 साल के अंदर, 11 से 12 साल के अंदर। मार्जिन्स कंपनी की 2021 से अगर कंपेयर करेंगे तो 2% से कम हुई, हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है, एक तरह से हम कहेंगे कि फ्लैट ही है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है मार्जिन में। और नेट प्रॉफिट पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा हुआ था यार, ये नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट लेकिन ठीक ठाक ग्रो किए हैं लोग प्रॉफिट में। और ट्रेडिंग 12 मंथ और 2022 का कंपेयर करें तो वहां पे भी बढ़ा हुआ है हम लोग का प्रॉफिट। कैश फ्लो वाइज देखेंगे तो पॉजिटिव कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है 1% से, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती है तो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, उसको हम एक कह सकते हैं कि एडवांटेज है हम लोग के पास। एफ आई की होल्डिंग बहुत कम है, मिनिमम है। DIs की होल्डिंग कम हुई है, FIs पब्लिक की होल्डिंग अल्टीमेटली बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ने को हम बहुत ज़्यादा चीयर नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी उसी हिसाब से बढ़ी है, 1% 1.5% जितनी भी थी। और यहाँ पे देखेंगे तो पहली बार हम लोग ने जब खरीदा था, पहली बार इन द सेंस कि अभी 1-1.5 महीने की बात करें तो इन लेवल्स पर हम लोग ने खरीदा था इसको, और इन लेवल से ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे बेच भी दिया था, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा एक कई बार देखेंगे यहाँ पे इन लेवल से जब भी आता है थोड़ा सा फॉल आता है, यहाँ से रेस्ट करने के बाद तब आगे जो डिसीजन लेना होता है वहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि देखेंगे फॉल आने के बाद बड़ा मूव दिया, यहाँ पे देखेंगे फॉल आने के बाद बड़ा मूव दिया डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ 2-3 दिन रेस्ट किया था तो यहाँ पे एग्जिट किया था हम लोग, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किए थे, उसके बाद यहाँ से फॉल आया है। अब यहाँ से हम लोग कर कह सकते हैं कि एक पोजीशन हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस सिंपली हम लोग इन लेवल्स पे ले सकते हैं। अभी पोजीशन क्यों बना रहे हैं, थोड़ी सी अर्ली एंट्री करने का हम लोग को फायदा मिलेगा इसके अंदर, और स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा इसके इसके अंदर। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से सिर्फ 4% का है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है कंपेयर करेंगे टारगेट्स की। तो टारगेट मेरा पहला 736 का होगा, फिर अगला टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा, क्योंकि यहाँ से राउंडिंग बॉटम बना रहे हैं। राउंडिंग बॉटम का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था अल्टीमेटली वही टारगेट लेके दोबारा ऊपर जाएगा। तो इसका अल्टीमेट टारगेट जो हम लोगों ने लिया था वो था कहीं 80% के आसपास का, यहाँ से देखेंगे तो 93% है, तो अच्छा खासा है। अभी भी हम लोगों के पास मतलब एक एडवांटेज है क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाई साइड पे बेचें और लोअर साइड पे बाय करेंगे दोबारा। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक कर जाता है तो ये बनेगा हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, फिर पहला टारगेट 762 का देगा। अगर यहाँ पे भी बुक करना चाहें आप लोग तो यहाँ बुक कर सकते हैं, यहाँ तक आते आते भी वैसे 15% प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग करेंगे कल। अगर बस एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ अगर नीचे आ जाएगा तो कंफर्मेशन दे देगा ये कप एंड हैंडल की ऊपर से, तो उस केस के अंदर थोड़ा सा गिर सकता है। उस केस के अंदर इसीलिए कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस टाइटली मेंटेन करके रखना, जहां बता रहे हैं सिंपल उस लेवल पे लगाना, कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा नीचे है इसके, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे, प्राइस लेबल लगा दे रहे हैं 735.05 या 735 का ही हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं इसके अंदर। तो इसी के साथ चलेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।